हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम माय चैनल। क्या कर रहे हैं आप सब? सब ठीक से होंगे? फैमिली में भी सभी ठीक होंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? सब लंच की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी लंच कर रही हूँ। आइए दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। एक रोटी, चटनी, थोड़ी सी दाल और लस्सी। लस्सी के बगैर तो खाना ही नहीं खाया जाता। जैसे खाना खाते खाते पानी पीते हैं ना, वैसे मैं एक गिलास लस्सी पीती हूँ। आप लोगों का भी खाने का टाइम हो रहा होगा, या खाना खा लिया क्या आप लोगों ने? बताइएगा। और क्या खाया? लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। और अपना भी ख्याल रखिए, डाइट पे ना भी रहें तो भी रहें, ज़्यादा ना खाएं। डाइट पे रहना ठीक रहता है, तला हुआ चीज़ ना खाएं। और क्या बताऊँ, शायद ऐसा नहीं है कि मैं जो खा रही हूँ वही आप लोग भी खाएं। दो रोटी खाते हैं तो एक रोटी कर दें, चार खाते हैं तो तीन कर दें, तीन खाते हैं तो दो कर दें, ऐसे डाइट कंट्रोल रहता है। मैं तो शुरू से एक ही रोटी खाती हूँ। और अभी डाइटिशियन से मिलके मैंने अपना डाइट चार्ट बनवाया है, तो अभी बहुत फ़र्क पड़ रहा है मुझे। मुझे लगता है सभी को अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहिए, खाने का रूटीन बनाना चाहिए। क्योंकि कोई पार्टी में जाता है या मीटिंग में जाता है या कोई संगठन की मीटिंग में जा रहा है, तो वहाँ तो पूड़ी के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। पूड़ी अवॉइड कीजिए आप। और शायद पूड़ी अवॉइड करेंगे तो वहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। वहाँ पे होगा दही, होगा सैलड, होगा, इनको खा के आप पेट भर सकते हैं। पूड़ी ना खाएं तो अच्छा है। राइस भी आधी कटोरी लें और दाल लें, और कुछ ना खाएं। और रायता या दही या खीरा, सैलड, इन सब का सेवन ज़्यादा करें तो आप ठीक रहेंगे। और बाकी क्या बताऊँ, आप लोगों को ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती आपको। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिया। और अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। परिवार का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, शाम को दोबारा मिलते हैं।